हालांकि राजस्थान में कोरोना कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक वन में सब कुछ खुल गया है, कोरोना भी अनलॉक होता दिख रहा है। राजस्थान में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने शुरू हो गए। इस बीच सरकार ने फैसला लिया है कि सीमाओं को नियंत्रित किया जाए। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये सीमाओं को नियंत्रित करने का फैसला आप लोगों ने क्यों लिया? देखिए, जिस तरह हमने अनलॉक वन में छूट दी है और छूट देने के बाद में 8 दिन का हमने फिगर पॉजिटिव केसेस का देखा है, तो हर रोज एवरेज 268 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 2145 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि चिंता की बात है। कल 369 केसेस पॉजिटिव आए, ये बढ़ता जा रहा आंकड़ा। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे हमने छूट दे दिए, लेकिन पॉजिटिव केसेस को बढ़ने नहीं दिया जाए, ये नियंत्रित रहे। जहाँ कहीं भी असावधानी हो रही है, उस असावधानी को चेक किया जाए। राज्य में जो हॉटस्पॉट इलाके से लोग आ रहे हैं, उनकी जाँच हो, स्क्रीनिंग हो, थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी। और हम इस बात की भी जांच करा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण क्या है। तो कुल मिला के लोगों के हित में ये सख्ती करने का की राज्य सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि अगर संक्रमण और फैलता है, हालांकि स्थितियां हमारे नियंत्रण में है, हमारे यहाँ रिकवरी रेट लगभग 75% है, जो मेरे ख्याल से कंट्री का सर्वाधिक है, और मोर्टिलिटी का जो परसेंटेज है वो भी 2.25 है। पॉजिटिव केसेस आज सुबह 10:30 बजे तक 11,368 हुए हैं। तो लेकिन ये 2145 जो 8 दिन में लोग बढ़े हैं पॉजिटिव, ये चिंता की बात है। इसलिए बतौर सावधानी राजस्थान में कुछ सख्ती करनी पड़ी तो करेंगे। क्या जिस तरह से गुजरात में और दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, उसे देखते हुए सीमा पर कोशिश की जा रही है कि उसको नियंत्रित किया जाए? देखिए, हॉटस्पॉट बने हुए हैं दिल्ली के, हालात रोज अखबारों में पढ़ते हैं। गुजरात के किसी से छुपा हुआ नहीं, महाराष्ट्र की छुपी हुई नहीं। तो अब यहाँ से जो ट्रेवल करके राजस्थान में आ रहा है, कम से कम उसकी चेकिंग तो हो, उसकी स्क्रीनिंग तो हो। इतनी छूट तो नहीं दी जा सकती कि संक्रमित व्यक्ति राजस्थान में आते रहे और यहाँ संक्रमण बढ़ता रहे। हमारे यहाँ एक तरफ हम टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हमने कहा था कि हम टेस्टिंग फैसिलिटी 25,000 करेंगे, पिछले 2 दिन पहले 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। हमारे यहाँ 40,000 टेस्ट होने लगेंगे 15 दिन बाद। तो हम एक तरफ टेस्टिंग पूरी कर रहे हैं, मतलब 5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट, 5.5 लाख टेस्ट हुए हैं राजस्थान में। पूरे कंट्री में जहाँ 40 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, वहाँ 5.5 लाख टेस्ट हमारे यहाँ हुए। 1.25 लाख टेस्ट तो यहाँ SMS अस्पताल में हुए हैं। तो ये टेस्टिंग ज़्यादा करने की वजह से, और जो सावधानियाँ, चाहे मास्क लगाने की बात है, चाहे 2 गज की दूरी रखने की बात है, चाहे समूह में नहीं जाने की बात है, या बार बार हाथ धोने की बात, इसको हम बार बार लोगों के जहन में उतार रहे हैं। लेकिन लगता है कि अनलॉक वन में कुछ लोग असावधानी बरत रहे हैं, तो ये सख्ती करने की जरूरत पड़ती है। मैं यही कह रहा था, अब जैसे कि रामगंज में एक बिल्डिंग में 26 लोग आए, अब इतने एक बिल्डिंग में इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, उस इलाके में आप जाएं तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वैसी भीड़ भाड़ है जैसे पहले थी। तो ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौती तो है ही है, क्योंकि किसी भी सूरत में पॉजिटिव केसेस का बढ़ना वो हमारे लिए चिंता की बात तो है ही है। तो ये संक्रमण एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों में फैल जाता है, ये बार बार हमने कहा भी है। हालांकि हमारा डबलिंग का जो डेज है, 22 दिन में डबल हो रहा है अभी राजस्थान में, तो स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन आगे भी नियंत्रण में रहनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोग कुछ सख्ती करनी पड़ी तो सख्ती भी करेंगे। जुर्माना लगाना पड़ा तो पुलिस जुर्माना भी लगाएगी, क्योंकि मास्क नहीं पहने वालों पर जुर्माना लगेगा, 2 गज की दूरी नहीं रखने वालों पर जुर्माना लगेगा।